अच्छा, अभी हम लोग कॉल कर रहे हैं, दूसरी कॉल जो हम कर रहे हैं, ये कॉल बेसिकली हमने, हमारी एक सर्विस है, मीट फ्रीज द मीट। अच्छा, कान हटा लो ताकि तुम्हें आवाज आए। फ्रीज द मीट हमारी एक सर्विस है, टू द पॉइंट बात करोगी, बोलोगी अस्सलाम वालेकुम सर, हमारी सर्विस है फ्रीज द मीट। फ्रीज द मीट, और ये सर्विस बिल्कुल फ्री है आप लोगों का, क्योंकि बिजली बहुत जा रही है, लाइट बहुत कर लोगों के लोड शेडिंग हो रही है, तो ये कुर्बानी का गोश्त सड़ ना जाए, ख़राब ना हो जाए, तो हम जो हैं ये आपका जो गोश्त है कलेक्ट करेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और वो हमारे पास फ्रीज में, मतलब फ्रिज में रहेगा आपका गोश्त, ताकि ख़राब ना हो, और आप जब चाहे ले सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम आपकी कॉल ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा, आगे जब वो ट्रांसफर करेंगे तो फिर मुझे ट्रांसफर, फिर मैं बात करूंगा, ठीक है? अभी कौन करेगा कॉल? मैं कर लूं, कर लूं, कोई भी कर लूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। असल में सर, मैं एक कंपनी से बात कर रही हूँ, फ्रीज द मीट कंपनी से। आप अपना नाम बताएंगे? जमशेद बोल रहा हूँ। अच्छा, तो बेसिकली आपके घर पे कुर्बानी हुई है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो क्या कुर्बानी में क्या क्या? कुर्बानी में दो बकरे किए, एक बछड़ा किया हमने। अच्छा, तो जैसे कि आजकल लोड शेडिंग भी इतनी हो रही है, लाइट जा रही है, और आपके एरिया में भी हो रहा होगा ऐसा? हाँ, हो तो रही है वैसे। अच्छा, तो वो जैसे गोश्त ज़्यादा देर फ्रिज में रखा रहता है तो ख़राब हो जाता है, तो हम हैं फ्रीज द मीट कंपनी से, इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइडर आपके घर पे आता है और गोश्त पिक करके ले जाता है, तो आप ये सर्विस अवेल करना चाहेंगे? देखिए, मैंने तो गोश्त काफी सारा बांट दिया है, भी है बस जो अपना हिस्सा है, थोड़ा सा हिस्सा। अच्छा, वो रखा हुआ। अच्छा, लेकिन सर्विस अवेल करने के लिए आप लाइक जरूरी नहीं है, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ, आपका जैसे एक फॉर्म फिल किया जाएगा, वहाँ पे आप सिर्फ रजिस्टर कर दें, अगर आपको बाद में भी लाइक कभी सर्विसेज अवेल करनी हो तो आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल मेरे पास ट्रांसफ़र हुई। गालिबन आपको बताया होगा हमारी एजेंट ने कि फ्रीज द मीट के नाम से हमारी कंपनी है। ये बेसिकली एक अच्छा और नेक काम है, जिस तरह से लोड शेडिंग हो रही है इस वक्त और जिस तरह की बारिश की सिचुएशन है, तो कहीं गोश्त ख़राब ना हो जाए। तो सर, आपके पास जितना भी गोश्त है वो हम फ्रीज़ कर लेंगे अपने पास, और इसमें आपकी भी बेहतरी है और ऑब्वियसली सिर्फ आपकी ही बेहतरी है। नहीं तो मेरे पास इतना गोश्त थोड़ी है ना, मैंने यही तो बताया, जो है वो मैंने रखा हुआ है घर पे। लाइट जाती है आपकी तरफ? लाइट जाती है, जनरेटर चला लेता हूँ मैं। अच्छा, आपके दो बकरे थे आपने बताया, एक बछिया था, तो टोटल गोश्त कितना निकला? बछिया कितने मन का था आपका? भाई देखो, गाय तो मैंने पूरी बांट दी। पूरी बांट दी, अच्छा ठीक हो गया माशाल्लाह। असल में मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ बढ़ेगा गोश्त। अच्छा, बड़े का गोश्त? बकरे मैंने रख लिए अपने। अच्छा, पूरे बकरे दोनों आपके पास पड़े हुए? हाँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, तकरीबन दो दो दस्तियाँ उसकी भी दे चुका हूँ मैं। अरे माशाल्लाह, मुझे बताइएगा कि आपकी नेचर ऑफ जॉब क्या है, आप करते क्या हैं? मैं अपना कारोबार है मेरा। किस चीज का सर कारोबार है ये? मैं आप जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर्म फिल कर रहा हूं। बिजनेस है। अच्छा, ओके। हम माल बनाते हैं और मार्केट में सप्लाई करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये अगला सवाल है, मुझे बस फॉर्म फिल करना है, ये एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है जो पूरी करनी है। सर, ये जो आपने कुर्बानी की है सर, ये हलाल के पैसों की थी? आए सर, मतलब हलाल के पैसों की होगी ना, क्या मतलब आप क्या सर? गुस्सा मत करें, बेसिकली ये फॉर्म है, हमें आपकी लीड पूरी कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि कॉल मिल गई है, बात आपसे हो रही है। अच्छा, मुझे सर एक चीज़, बेसिकली आपको बताना है अपनी कंपनी के बारे में मज़ीद, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज है, हम आपका गोश्त सर फ्री में रखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी किसी किस्म की लोड शेडिंग की, और आपको पता है सर शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक यूनिट ज़्यादा रखवाना नहीं है यार आपको। फ्री मैंने रखवाना नहीं है, मुझे आप लोगों की सर्विस कुछ अजीब लग रही है, अजीब अजीब सवाल कर रहे हो आप लोग। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, देखें सुन्नत इब्राहिमी है ये, और इसमें सर हम आपसे कोई एक रुपया चार्ज नहीं कर रहे, हम जो चार्ज कर रहे हैं बेसिकली सर, आप जब जब आएंगे गोश्त लेने, हम सिर्फ उसमें से आधा किलो चार्ज करेंगे हफ्ते का, यानी कि जब आप गोश्त निकालने आएंगे सर आधा। हाँ, तो ये बोलो ना, गोश्त चाहिए ना? नहीं सर, गोश्त नहीं चाहिए, चार्जेस हैं। बकराईद वाले दिन किधर थे तुम? सर कुर्बानी थी मेरे घर पे, मैं वहाँ था। तो उसके बाद भी गोश्त मांग रहे हो तुम? नहीं नहीं सर, आधा किलो लोगों से जमा कर रहे हो फोन कर। नहीं नहीं सर, मैं जमा नहीं कर रहा आधा किलो, आप गलत समझ रहे हैं, ये हमारी सर्विस है जिसमें देखें सर हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे, आपके गोश्त को फ्रीज कर रहे हैं। गरीबों का हिस्सा तो निकाल लिया, तुम्हारी सर्विस कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रही। मेरे पास
बड़ा सा फ्रीजर है, मैंने उसमें रखा हुआ भाई। हमारे पास सर प्रोफेशनल फ्रीजर है, हम आपकी पुट के गोश्त को अलग रखेंगे, आपकी जो प्रॉपर सिरी है उसको सेंटर में रखेंगे, लेफ्ट साइड पे आपकी प्रॉपर इसमें हमने राने रखनी है, तो ये बिल्कुल हमने दस्ती वस्ती बना के प्रॉपर रखेंगे सर। सेंटर में आपकी गर्दन होगी ताकि गर्दन को प्रॉब्लम ना हो, गर्दन इधर उधर देख सके गोश्त अपना, तो ये प्रॉपर हमारा एक सर सिस्टम निज़ाम चल रहा है यहाँ पे। और अगर मैं आपको प्लान बी दूँ तो प्लान बी आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसमें आप अगर गोश्त वापस नहीं लेते तो हम पर मंथ आपको सर 2000 रुपीज़ दिया करेंगे। गोश्त मतलब वापस नहीं लेंगे तो 2000 रुपये महीने मिलेंगे? जी 2000 रुपये महीना। बहुत अच्छे यार, तो वो उस गोश्त का क्या करोगे फिर? वो गोश्त सर हमारे पास रहेगा, वो किसी और को चाहिए होगा, हम वो इस तरह हमारा बिजनेस मॉडल है, हम घुमा देंगे वो गोश्त आगे चला जाएगा आपको, आपकी जब आपको चाहिए होगा हम किसी और का गोश्त आपको पूरा करके दे देंगे, कोई मसला नहीं है। गोश्त पूरा चाहिए ना, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है, फर्ज करें आपने हमारे पास 10 लोग पागल वागल हो गए हो क्या? मतलब क्या मतलब गोश्त पे कारोबार कर रहे हो तुम लोग यार, अजीब। सर आपको नहीं लेना एक अलग बात है, लेकिन ये देखें ये चीज़ें ज़रूरी थी हम आपको बता रहे हैं, और आप अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। भाई मैं 2000 तो नहीं लूँगा यार, 2000 तो बहुत कम है यार, 5000 की डील करो कम से कम। 5000 रुपये महीना आप राजी हैं? हाँ, तब मैं रखवाऊंगा। यार आप तो बहुत ही लालची हो जमशेद भाई, इतना लालची इंसान जिंदगी में देखा, कुर्बानी का गोश्त आप रखवा रहे हो हमारे पास 5000 रुपये महीने पे? पैसों की बात की तो बोला तुम हर महीने, मैंने इसलिए पैसा ही इस वक्त भाई, क्या मतलब आपने क्या फ्री में आप वो बैठे हो क्या भाई? फ्री में नहीं, हम तो जॉब कर रहे हैं बेसिकली, हम अभी इस वक्त जो कर रहे हैं ना, इस वक्त सबसे बड़ी नेक जॉब की हमने एक लालची इंसान दिखा दिया टीवी पे। मैं कटाकट शो से जैन बोल रहा हूँ, प्रैंक हो गया आपके साथ, प्रैंक किया था ये, चेक कर रहा था मैं। हाँ बस मैं प्रैंक हूँ, बड़े बड़े मेरे से बड़े बड़े लालची पड़े हैं यहाँ पे, तुमने अच्छा बता दिया मुझे, अगले साल मैं अपनी गाय को फ्रीजर में रखवाऊंगा, हो सकता है वो उसमें से भी एक रखूं। और वो गाय जो है मोहर्रम में जो हलीम बनता है ना, मोहर्रम के हलीम तक चलाएगा गाय, उसके अंदर जाएगी। बोलो बिजनेस मॉडल कैसा लगा मेरा? बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लगा आपका, आपको हमारा बिजनेस मॉडल कैसा लगा? आप फिर मिलते डील करते हैं कहीं बैठ के। अरे प्रैंक सर, देखिए 5000 रुपए के पीछे इतना मत करें, प्रैंक हो गया आपके साथ, अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं डील करनी है मुझे, डील भाई कटाओ इसे। मेरा डील करो 5000। चलें काम करते हैं, हम लोग ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस महफिल को, इस बैठक को, इस कचहरी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दिस इज कराकर्ट शो, और हमारे साथ दो खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं, वी हैव सना सवेरा और सारा सवेरा, और वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ दीजिएगा। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।